मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 371 केंद्रों पर 51,210 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 33,623 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 9,467 लोग शामिल रहे, जिसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर AN प्रसाद ने बताया कि जनपद में 18 प्लस के लोगों का 91% जनपदवासियों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी तक टीकाकरण 95% करने की उम्मीद है तथा जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जो भी अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाए हैं वह अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर अपना कोविड का टीका लगवा लें तथा अपने आप को सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर AN प्रसाद ने कहा, जीरो नौ नौ आज जनपद गोरखपुर में टोटल 362 सत्रों पर टीकाकरण कराया जा रहा है और अब हमारा जनपद 91% जनपदवासियों का टीकाकरण, 18 प्लस के लोगों का 91% टीकाकरण हम करा चुके हैं। इसको 3 से 4 दिन के अंदर मुझे 95% ले जाना है। फिर प्रिकॉशन डोज 15 से 17 वर्ष के लाभार्थियों का और सेकेंड डोज, इस पर भी हमारा प्रयास जारी है और मैं आशा करता हूं कि 25 तारीख तक इन सभी में हम 90% से ऊपर हो जाएंगे और इसके लिए हमारी बैठकें चल रही हैं। अंतर विभागीय बैठक आज DM जिलाधिकारी के अध्यक्षता में 10 बजे आज संपन्न हुआ है, उसमें विशेष तौर पर सेकेंड डोज के लिए जोर डाला गया है। पुनः आज 6 बजे जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक की बैठक है, जिसमें नए सिरे से अपनी रणनीति को हम तय करने के लिए जुटे हैं। जनता से मेरा पुनः वही निवेदन है कि ये तीसरा दौर लगभग अपने पीक पर है और इसमें जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसको कड़ाई पूर्वक पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें, मौका मिलने पर 3 से 4 बार दिन भर में साबुन और पानी से हाथ धोएं और अभी भी जिनको फर्स्ट डोज कम से कम नहीं लगा है, एक भी टीका जिनको नहीं लगा है, वो आकर के टीकाकरण केंद्र पर आकर के टीका लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। धन्यवाद।